तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज कड़ी में हम बात करने वाले हैं आप अपने ब्लॉग के लिए पेजेस कैसे बना सकते हो। इसके टू मेथड मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ, तो जरूर आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। तो चलिए बिना कुछ देर के वीडियो को शुरुआत करते हैं। यहाँ से किसी भी वेबसाइट के थ्रू आप कैसे प्राइवेसी पॉलिसी पेज, डिस्क्लेमर का पेज, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस का पेज बना सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप ऐसे देख सकते हो, इस तरीके से मैंने पेजेस बनाकर रखे। ये जो कि मेरा फ्री वाला ब्लॉग है, मैं अपना वेबसाइट का पेज आपको एक बार दिखा देता हूँ। उसके लिए ऐसे देख सकते हो, मैं अपनी वेबसाइट ओपन करके देता हूँ। या से उसके लिए भी मैंने कुछ पेजेस बनाकर रखे हैं, जैसे कि पेजेस पर मैं जाता हूँ ऑल पेजेस। उसके बाद इस तरीके से पेजेस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे कि अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, डिस्क्लेमर, उसके बाद नीचे प्राइवेसी पॉलिसी। ये चार पेजेस आपको बनाने पड़ते हैं। उसके बाद आप यहाँ से गूगल एडसेंस को अप्लाई करने के बाद तुरंत आपको यहाँ से अप्रूवल मिल जाता है। किस तरीके से आपको पेजेस क्रिएट करने हैं वो सबसे पहले मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। गूगल पर बहुत सारी ऐसी साइट मिल जाएगी जो कि फ्री में आपको यहाँ पर पेजेस बनाकर दे देती है। जैसे कि मैंने टाइप कर लिया ब्लॉग प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर, तो आपको यहाँ पर इस तरीके से साइट मिल चुकी है। जैसे 100% फ्री आप इस साइट को यूज कर सकते हो, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर आप कैसे प्राइवेसी पॉलिसी पेज क्रिएट कर सकते हो वो मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ। उसके बाद बाकी के पेजेस भी आप इसी तरीके से बना सकते हो। सबसे पहले आपका कंपनी का नाम आपको यहाँ पर डालने का ऑप्शन आ जाता है। आप अपनी वेबसाइट का नाम यहाँ से डालेंगे, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर डाल दिया। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद जैसे वेबसाइट का नाम आप वही यहाँ से रिपीट कर सकते हो जैसे कि मैंने डाल दिया। उसके बाद वेबसाइट की URL आपको यहाँ पर डाल देनी है, तो वेबसाइट की URL भी मैंने यहाँ से डाल दी। उसके बाद इस तरीके से आपको नेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर को क्लिक कर रहे हैं। जैसे कि इनमें से क्या क्या आप ऐसे एडिशनल ऐड करना चाहते हो वो आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि अगर आप ऐसे कुकीज ऐड करना चाहते हो तो यस करेंगे। उसके बाद यहाँ से अगर आप ऐसे एडवर्टाइज से पैसे कमाना चाहते हो आपकी वेबसाइट के थ्रू, तो आप ऐसे यस करेंगे। उसके बाद नीचे आने के बाद यहाँ से आप देख सकते हो, थर्ड पार्टी एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हो तो आप ऐसे यस करेंगे। आप ऐसे जो भी आपको अच्छा लगता है वो सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ऐसे कंट्री सिलेक्ट करने का ऑप्शन है, आप ऐसे इंडिया से हो तो इंडिया यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि इंडिया में यहाँ से सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद नीचे आने के बाद स्टेट सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाता है इस तरीके से। तो आपकी स्टेट सिलेक्ट करने के बाद आपको एक ईमेल आईडी डालने का ऑप्शन आ जाता है, तो कोई भी ईमेल आईडी आप ऐसे डाल सकते हो। तो जैसे कि मैंने एक ईमेल आईडी डाल दिया, उसके बाद ऐसे देख सकते हो जनरेट माय प्राइवेसी पॉलिसी पेज, इस पर आपको क्लिक करना है, थोड़ा सा वेट करना है। देन आप ऐसे देख सकते हो आपका प्राइवेसी पॉलिसी का पेज यहाँ से सक्सेसफुली यहाँ से क्रिएट हो चुका है। देख सकते हो सक्सेसफुली हमारा पेज बनकर रेडी हो चुका है। यहाँ से देख सकते हो इस तरीके से आपको डायरेक्टली कॉपी करने का ऑप्शन मिल जाता है, नहीं तो आप ऐसे इसकी URL भी कॉपी कर सकते हो। चाहो तो आप ऐसे डायरेक्टली जितना भी पेज हमने क्रिएट किया है, जैसे कि आप देख सकते हो कितना बड़ा पेज हमारा क्रिएट होकर आ चुका है, इसे भी डायरेक्टली आप क्लिक कर ऑल सिलेक्ट कर या से कॉपी कर सकते हो इस तरीके से। जैसे कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, इस तरीके से भी आप कॉपी कर सकते हो। नहीं तो यहाँ से देख सकते हो आप डायरेक्टली इस पर क्लिक कर भी डायरेक्टली वन टैब में ये सारा का सारा पेज कॉपी कर सकते हो। इस तरीके से आप फ्री में या से प्राइवेसी पॉलिसी क्रिएट कर सकते हो। इसी तरीके से अदर पेजेस भी आप क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप फ्री में या से क्रिएट करते हो तो क्या क्या चेंजेस आपको करना जरूरी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। या से आप देख सकते हो या से कुछ पेजेस में आपको यहाँ पर चेंजेस करने की जरूरत है, जैसे कि यहाँ से आप देख सकते हो। तो यहाँ पर लिखा आ रहा है स्क्रीन पर, आप ऐसे देख सकते हो यहाँ पर लिखा आ रहा है कि ये प्राइवेसी पॉलिसी पेज बनाने में या से फ्री प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर की मदद ली गई है। तो इस तरीके से आपको एक बार हटा देना है। इस तरीके से हटाने के बाद और आपको कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से पेज डायरेक्टली आप कॉपी पेस्ट कर आपके ब्लॉग पर लगा सकते हो और प्राइवेसी पॉलिसी का नाम आप ऐसे दे सकते हो। साथ ही आपकी ब्लॉग की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी, आपके ब्लॉग का URL आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इस तरीके से आपको फ्री में प्राइवेसी पॉलिसी का पेज एक साइट बनाकर दे देती है। तो दूसरा भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि आपने ऐसे प्राइवेसी पॉलिसी का पेज क्रिएट कर लिया तो आपको दूसरा पेज ऐसे क्रिएट करना है। सो आप ऐसे देख सकते हो, मैंने सर्च कर लिया ब्लॉग डिस्क्लेमर जनरेटर इस तरीके से, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आपको फर्स्ट वाली साइट मिल जाएगी। यहाँ से देख सकते हो साइट का नाम भी मैं आपको शो कर रहा हूँ, तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। इस साइट की मदद से भी सेम टू सेम आप डिस्क्लेमर क्रिएट कर सकते हो, इस तरीके से आ जाएगा। उसी तरीके से आपको डिस्क्लेमर क्रिएट करने के लिए आपका नाम डालना है। आप ऐसे अपने वेबसाइट का नाम डाल सकते हो, वेबसाइट पर आप जो भी नाम ऐसे शो करते हो वो नाम आपको डालना है। उसके बाद ऐसे देख सकते हो इस तरीके से आ जाएगा, तो आपको यहाँ पर वेबसाइट का URL डाल देना है। नेक्स्ट ऑप्शन है, आप नेक्स्ट करेंगे इस तरीके से आ जाएगा। कंट्री आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाता है, इंडिया आप सिलेक्ट करेंगे, स्टेट आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाता है, आपको स्टेट सिलेक्ट करने का ऑप्शन आने के बाद स्टेट सिलेक्ट कर एक ईमेल आईडी आपको डाल देना है। उसके बाद ऐसे जनरेट माय डिस्क्लेमर, इस पर आपको क्लिक करना है, थोड़ा सा वेट करना है। देन आप ऐसे देख सकते हो उसी तरीके से आपको डिस्क्लेमर का पेज ऐसे क्रिएट कर मिल चुका है। उसी तरीके से यहाँ पर भी आपके ऊपर लिखा रहा है, ऐसे देख सकते हो आप स्क्रीन पर देख सकते हो इस तरीके से ये पेज बनाने में या से फ्री प्राइवेसी यानी कि फ्री डिस्क्लेमर जनरेटर का यूज किया गया है। तो इसको आपको हटाकर डायरेक्टली आप अपने ब्लॉग पर लगा सकते हो। जैसे कि अबाउट अस का मैंने ऐसे पेज बना लिया है, तो ऐसे देख सकते हो मैं इस पेज को ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। ऐसे एडिट का ऑप्शन है, मैं जाऊँगा एडिट वाले ऑप्शन पर, उसके बाद किस तरीके से मैंने क्रिएट किया है वो आपको दिखा देता हूँ।
आप स्क्रीन पर देख सकते हो इस तरीके से आ रहा है। यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से देख सकते हो इस तरीके से अबाउट अस का पेज मैंने किस तरीके से क्रिएट किया है। आप ऐसे देख सकते हो, ऐसे देख सकते हो मैंने किस तरीके से प्राइवेसी पॉलिसी पेज, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस की पेजेस बनाकर रखे है। ये सारे के सारे मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वेबसाइट की मदद से प्रोवाइड करा दूंगा। आपको क्या क्या चेंजेस करने हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि अगर आपकी साइट जॉब से रिलेटेड है तो आप यहाँ सेम टू सेम मेरे पेज यूज कर सकते हो, नहीं तो आपको थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा आपके पेजेस में। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको यहाँ पर सिर्फ अपनी वेबसाइट का लिंक डालना है, इस तरीके से अबाउट अस का पेज है, यहाँ से आपको वेबसाइट की लिंक डालनी है, आपका नाम यहाँ पर डालना है, फोटो आप ऐसे डाल सकते हो, अदरवाइज यहाँ पर खाली छोड़ सकते हो। उसके बाद आपका पेज किस रिलेटेड आप पोस्ट डालते हो, उसके बाद में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन डाल दे रही है और आप क्या काम करते हो इसके बारे में आप यहाँ से डाल सकते हो। उसके बाद आप यहाँ से ईमेल आईडी आपका दे सकते हो, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट आप ऐसे कर सकते हो। उसके बाद आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद ऐसे देख सकते हो यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन डालिए, जैसे कि आप ऐसे देख सकते हो अबाउट मी, मेरा नाम है, आपको यहाँ पर सिर्फ आपका नाम डालना है। उसके बाद नेम, एड्रेस, इस तरीके से थोड़ी सी इंफॉर्मेशन डाल सकते हो, क्वालिफिकेशन, उसके बाद हॉबीज आप ऐसे डाल सकते हो, वेबसाइट की लिंक आपकी देनी है, उसके बाद कॉन्टैक्ट करने के लिए एक ईमेल आईडी देना है, इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर आपका अबाउट अस का यहाँ से पेज बन चुका है, आप डायरेक्टली यहाँ से सेव इस पर नहीं तो पब्लिक कर सकते हो। इस तरीके से एक पेज मैंने आपको बता दिया है, इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, सारा का सारा आपको यहाँ पर एक मिल जाएगा। उसके बाद दूसरा पेज भी देख लेते हैं। जैसे कि दूसरा पेज में ऐसे जाऊंगा एडिट वाले ऑप्शन पर, तो आप सेम टू सेम ब्लॉग पर भी अप्लाई कर सकते हो। कॉन्टैक्ट अस में आप ऐसे कॉन्टैक्ट फॉर्म ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा अगर आपको एडसेंस का अप्रूवल चाहिए तो आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाना पड़ेगा, ऐसा क्यों कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है। आप डायरेक्टली ऐसे ईमेल आईडी, व्हाट्सअप नंबर, इस तरीके से कुछ भी दे सकते हो, नहीं तो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, इस तरीके से लिंक भी आप ऐसे कॉन्टैक्ट अस में दे सकते हो। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, कॉन्टैक्ट अस में मैंने सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन डाली है, स्क्रीन पर देख सकते हो। यहाँ से आपको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करने के लिए ऐसे एक ईमेल आईडी मिल जाएगा और साथ ही व्हाट्सअप चैट के लिए आपको एक व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर मैंने दे दिया है। इस तरीके से कॉन्टैक्ट अस का आप ऐसे जो पेज है बना सकते हो। तो चलिए अब आपने जान लिया है कि कैसे अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस पेज आपको यहाँ पर, तो इस तरीके से आप अपने साइट के लिए सारे के सारे पेजेस बना सकते हो। बहुत ही सिंपल में आपको समझने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, जो भी लगती है उसको भी क्लिक कर लेना, और आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताए।